चलिए आज वीडियो नंबर 3 होगा जो हाई स्कूल यानी क्लास 10th का लेसन नंबर 2, और पहला वीडियो होगा उस लेसन नंबर 2 का। और उसमें जो पहले लेसन में 2 वीडियो बनाया गया था, जिसमें पहला रासायनिक अभिक्रिया था और उसके बाद से संचार और विक्रियागणितीयता था, जिससे क्वेश्चन बनते थे उसको पढ़ाया गया है, और संभवतः सभी टॉपिक को पढ़ा दिया गया। पहले चैप्टर में कुछ विशेष नहीं था। और दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल और क्षार और लवण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे होता क्या होता है। अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है या नीले रत्नस्वर्पण को लाल कर देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं अम्ल। यानी कि वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। या तो हम कह सकते हैं नीला रत्नस्वर्पण पर कोई, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसकी पहचान करनी है, तो उसको हम क्या करेंगे, नीले रत्नस्वर्पण ऐसे बिछाएंगे और उस पर इस पदार्थ को रखते हैं। यदि वह नीले से लाल में परिवर्तित हो गया तो वह अम्ल है, और यदि वह रत्नस्वर्पण पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वह मान लीजिए अम्ल नहीं है। ठीक है, तो यह इसका पहचान करने की विधि है। और या तो हम स्वाद अगर चखने लगे, यानी कि हम जानते हैं कुछ ऐसे अम्ल है जिसको हम चख नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चख नहीं सकते हैं, तो इसलिए नीले रत्नस्वर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि हम लोग को पहचानने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम उसका स्वाद ही हमेशा लेंगे, यानी स्वाद लेने से मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि कई हानिकारक भी अम्ल होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे पदार्थ को, ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ है जिसको हम सेवन करते हैं तो खत्ता लगता है, या तो उसको अगर जो नहीं ले सकते हैं तो हम लैब में उसको क्या करें, नीले रत्नस्वर्पण के द्वारा हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल किसे कहेंगे, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, नीले रत्नस्वर्पण को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कौन कौन से होते हैं, एक HCl होता है, CH3COOH, यानी यह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या एसिटिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल, क्योंकि IUPAC नाम के आधार पर इसका नाम लिख सकते हैं, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आरहेनियस सिद्धांत पूछता है, ये कभी कल एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है, आरहेनियस सिद्धांत है क्या, तो आप सोचेंगे फिजिक्स में है क्या, कभी सोचने लगेंगे। लेकिन आरहेनियस एक वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि यदि कोई जलीय विलयन यानी कोई पदार्थ है और उसको जलीय विलयन में हम मिलाते हैं, यानी कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ है यदि उसको हम जलीय विलयन में मिलाते हैं और वह वियोजित हो जाता है, यानी वह टूट गया और वह एच आयन देता है, तो आप जान जाएंगे कि वह क्या है, अम्ल है। यदि कह रहे हैं, यानी कि आरहेनियस क्या करते हैं, कोई पदार्थ है हम जानते नहीं कि वह अम्ल है कि क्षार है, तो हम क्या करेंगे, उसको जलीय विलयन में डालेंगे और वह जब वियोजित होकर यानी टूट कर एच आयन देगा तो हम जान जाएंगे अम्ल है, और वो एच माइनस आयन देगा तो हम जान जाएंगे वह क्या है, क्षार है। तो यही आरहेनियस सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो आरहेनियस सिद्धांत समझ में आ गया। अब इसमें आता है सांद्र और तनु, कितने बार ये कन्फ्यूज में होता है, इंटर तक भी समझ में आता है सांद्र क्या होता है, तन क्या होता है, जो कि एकदम लैब में चाहे कहीं भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, कोई भी रिएक्शन को पूर्ण करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो असांद्र में क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में, यानी कोई पदार्थ है उसमें अम्ल की अधिकता होगी और पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, सांद्रम। सांद्र अम्ल का मतलब जिसमें पानी की मात्रा क्या हो, कम हो, तो हम सांद्र अम्ल को तो तनु अम्ल बना सकते हैं। क्यों, तो देखिए तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में, यानी अम्ल की मात्रा जो हो कम हो और पानी ज्यादा हो, जिसमें क्या हो, अम्ल कम हो लेकिन पानी ज्यादा हो, जैसे दूध है तो दूध ज्यादा, दूध क्या हो, कम हो और पानी ज्यादा हो, तो तनु अम्ल का कार्य, तनु की तरह से कार्य, तनु कह सकते हैं। लेकिन तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, अम्ल क्या होगा, कम होगा लेकिन जल ज्यादा होगा, तो इसको हम अल्प सांद्र अम्ल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसके पानी को वाष्पीकृत करेंगे। क्या करेंगे, पानी को वाष्पीकृत यानी पानी को उड़ाएंगे, जबकि सांद्र अम्ल को तनु में बदलने के लिए इसमें जल मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सांद्र अम्ल तनु अम्ल के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे वो विकल्प भी कभी काल क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी काल पूछा ही जाता है, एस्टिक अम्ल का स्रोत यानी कि एस्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, आग्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, जबकि सित्रिक अम्ल नींबू, और तात्रिक अम्ल क्या होता है, इमली में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको संपूर्ण रूप से देखे नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि एकदम साफ साफ सुंदर एकदम परिभाषा को डेफिनेट करके एकदम साफ सुथरा बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए अम्ल के रासायनिक गुण को हम जानेंगे।
अम्ल तो जान गए अम्ल क्या होता है, अब उसका रासायनिक गुण क्या होता है। तो रासायनिक गुण धातुओं के साथ अभिक्रिया, उसमें आप पहला देखेंगे कि धातु के साथ अभिक्रिया यदि करते हैं तो किस प्रकार के यौगिक का वो निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम ले लेंगे कोई अम्ल लेते हैं और इसको धातु से अभिक्रिया करते हैं, धातु से अभिक्रिया क्या करते हैं कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अम्ल है HCl है और उसको हम किसी धातु मान लीजिए सोडियम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो कह रहा है कि जब कोई अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन मुक्त करता है, यानी H2 को क्या करता है बाहर निकलता है। तो यहाँ से H की संख्या कहीं ना है, H2 बाहर जब हो गया तो यानी कि हमको 2H चाहिए, तो 2H जब हो गया तो Cl कितना हो गया, 2Cl भी हो गया, और Cl पे हमेशा एक ही माइनस होता है, तो 2 2 माइनस। यहाँ पे Na पे कितना प्लस, एक ही प्लस होता है, हमको कितना प्लस चाहिए 2 प्लस, तो 2 2 प्लस, तो हम लिख सकते हैं 2NaCl, क्योंकि एक Na पर एक प्लस, एक Cl पे एक माइनस, और दोनों बराबर हो जाएगा 2 Na 2 Cl, और दोनों का आवेश भी बराबर, दोनों की संख्या भी बराबर, यानी कि 2 Na परमाणु 2 Cl परमाणु, 2 Na 2 Cl, और NaCl का निर्माण हो गया, एच तो बाहर निकल गया। यही क्या होता है अम्ल के रासायनिक गुण, यानी अम्ल के रासायनिक गुण पहले लिख रहे हैं धातु के साथ अभिक्रिया, जब कोई सक्रिय धातु से वो अभिक्रिया करेगा तो H2 ऑटोमेटिक बाहर कर देगा, वही क्या कहलाता है, तो धातु के साथ अभिक्रिया कहलाता है, अम्ल का रासायनिक गुण कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल के किसी 2 या 3 रासायनिक गुणों को लिखे, तो उसमें हम एक को लिख सकते हैं और दूसरे रासायनिक गुण को लिख सकते हैं धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, धातु कार्बोनेटों के साथ, धातु कार्बोनेटो के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट का मतलब होता है, कार्बोनेट का मतलब CO3 होता है, और कोई धातु होगा तो कोई धातु Na लिख सकते हैं, Mg लिख सकते हैं, अच्छा जो भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं धातु कार्बोनेट के साथ क्या करना है, इसकी अभिक्रिया कराना है। तो धातु कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा, तो मान लीजिए कि Na2 CO3 हो गया, या हो गया एक धातु कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, तो इसकी अभिक्रिया हम HCl के साथ मान लीजिए करा देते हैं। तो जब HCl के साथ कराएंगे तो किसकी प्राप्ति होती है, तो जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है तो लवण और CO2 गैस का निर्माण होता है, यानी CO2 गैस बाहर निकले, यानी कि NaCl बनता है और क्या बनता है, CO2 क्या होता है बाहर निकलता है। जब यहाँ से CO2 निकल गया तो बचा एको, Na की संख्या एक है, यहाँ पे Na की संख्या कितना है 2 है, तो Na की संख्या यदि 2 है तो यहाँ पे भी Na की संख्या 2 करेंगे, तो जब Na की संख्या 2 की है तो यहाँ पे Cl की संख्या 2 हो गई, हो गया 2, तो हम क्या करेंगे 2 से इसमें भी गुणा करेंगे, तो Cl और Na दोनों बराबर हो गया। अब बचा क्या CO3, तो CO2 तो बाहर निकल गया, बचा एको, यहाँ पे बचा है 2 गो यहाँ पे, तो यानी H2O को हम क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, या हो गया धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो गया। इसी प्रकार एक और लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया धातु धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया को भी लिख सकते हैं, उसका भी यही बनेगा। जैसे मान लीजिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा NaHCO3, या धातु हो गया या हाइड्रोजन हो गया और या कार्बोनेट हो गया, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे तो पुनः किसकी प्राप्ति होगी, तो इसमें होगी NaCl, यानी कि एक Cl यहाँ से और एक Na यहाँ से, NaCl हो गया, एक एच यहाँ से, एक H2 यहाँ से, यानी CO2 निकाल लेंगे, तो बचा क्या, तो बचा है एक को यहाँ पे और 2 गो H, यानी कि H2 बाहर हो जाएगा, सेम यही बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2 मात्रा प्राप्त हो, यहाँ पे सिंगल मात्रा प्राप्त हो रहा है। तो यह था अम्ल के रासायनिक गुण, अब फिर अगले में देखेंगे क्षार क्या होता है, अम्ल का उपयोग पढ़ेंगे।